हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके चैनल माधवास कौशल क्लासेस में। इसमें हम आज कबीर जी के प्रश्न कर रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप पूरे प्रश्नों को लर्न कर लीजिए। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर जी ने क्या सुझाव दिया है? तो उन्होंने कहा कि निंदक पास रखने के लिए कहा, निंदा करने वाले लोग जो हैं आपके पास रहें तो आपका स्वभाव स्वच्छ और निर्मल रहता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है वो ये वाला है, ये स्वभाव को निर्मल आप ध्यान में रखना, और निंदक यानी जो बुराई करने वाले लोग होते हैं वो होते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार से है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, मिट्टी शब्द का अर्थ बताइए। यहाँ पर मिट्टी शब्द का अर्थ है मिटना। उसके बाद प्रश्न आ जाएगा, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? तो कबीर जी कहते हैं सांसारिक लोग जो सोते हैं और खाते हैं वो लोग सुखी हैं, यानी कि ये वाला सही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कबीर के अनुसार दुखी कौन है? दुखी वो हैं जो लोग ज्ञानी हैं, जो ज्ञानवान लोग हैं वह दुखी हैं, जो समझदार हैं वह दुखी हैं, यह बात कबीर जी कहते हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, दीपक दिखाई देने से अंधेरा कैसे मिट जाता है? तो दीपक दिखाई देने से क्या होता है, अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है, यानी हमारा जो घमंड होता है, अहंकार होता है, अहम की भावना होती है, मैं की भावना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उसमें अहंकार रूपी माया दूर हो जाती है। कब दूर होती है? जब ज्ञान रूपी दीपक दिखाई दे जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हमारे मन में अहंकार होता है, अहंकार भाव के कारण, मैं भाव के कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो ये सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन ए है। प्रश्न आ जाता है कि कबीर के अनुसार कौन ज्ञानी नहीं बन पाया? तो कबीर जी कहते हैं कि जो ये अपने सुना भी होगा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, ठाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इसमें ये कहा है कि मोटी पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी ज्ञानी नहीं बन सकता, यानी कि ज्ञान तो बिना पुस्तक पढ़े भी पाया जा सकता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है, कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कबीर की साखियाँ जो हैं, आपने साखियाँ पढ़ी भी होंगी, तो क्या सिखाती हैं? वो हमें जीवन जीने के सही तरीके का, ढंग का ज्ञान हमें बताती हैं कि किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन नहीं जीना चाहिए। तो सिर्फ ज्ञान की ही बातें कबीर जी ने बताई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सही जवाब जो है ऑप्शन ए है। उसके बाद प्रश्न आ जाता है, विरह भुअंगम तन बसई, मंत्र न लागे कोई का क्या भाव है या स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो विरह की भावना होती है, विरह किसे कहते हैं पहले ये समझा देते हैं। विरह जो होता है जब कोई व्यक्ति बिछुड़ जाता है, तो जब शरीर में किसी से बिछुड़ने का दुख हो तो कोई भी दवा नहीं लगेगी, कोई मंत्र भी काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं होती है, एक भावना होती है विरह की भावना। तो यहाँ पर सही जवाब जो है ए ऑप्शन है। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो अहंकार रहित मीठे बोल सबके हृदय को छू जाते हैं। अगर हम अच्छी बात बोलेंगे, मीठे बोल बोलेंगे, तो वो सबके हृदय को अच्छा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि वो खुद को भी अच्छा लगेगा हमें, और औरों को भी अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बुक्स का नाम, तो मैं आपको एक अच्छी सी बुक सर्च करके उसका पूरा रिव्यू बना के दूंगी, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे। वैसे मैंने ज़्यादातर क्वेश्चंस के लिए एक बुक का यूज़ किया है, एक हरियाणा की बुक है, तो मैं उसका नाम आपको बताऊँगी और मैं उसका रिव्यू भी आपको बता दूँगी, लेकिन उसमें सारे क्वेश्चंस जो है ना वो नहीं है, जैसे 10th की कृतिका के क्वेश्चंस उसमें नहीं मिलेंगे।
इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके हैं तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद प्रश्न आ जाएगा, साखी शब्द किसका तद्भव रूप है? तो यहाँ साखी बी ऑप्शन जो है वह सही जवाब है। सखी शब्द किससे बना हुआ है? तो साक्षी यानी ये देखो ए ए जो ऑप्शन है वो सही है। उसके बाद प्रश्न आता है, साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि आपको जो ज्ञान है सामने दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट जो नॉलेज है आपकी उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही जवाब है। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो संत लोग जो हैं वो अनुभव को ज़्यादा महत्व देते हैं, यानी एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कबीर जी भी यही कहा करते थे कि ओनली पुस्तकें पढ़ने से, बुक्स पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, बल्कि अनुभव जो है वो व्यक्ति के जीवन को ज्ञानवान बनाता है, नॉलेजेबल बनाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखो ए ऑप्शन सही है, मैंने साथ में लिख भी दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद कबीर की साखियों में किन भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? तो अवधि में भी हैं, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी, सभी भाषाओं का उन पर प्रभाव है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। प्रश्न है, साखी क्या है? तो साखी एक दोहा छंद है। दोहा छंद के क्या लक्षण हैं? 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, यानी ऑप्शन डी जो है वह दोहा छंद के लक्षण हैं। गुरु शिष्य को तत्व ज्ञान की शिक्षा कैसे देता है? तो सत्य की साक्षी करवाता है, वो सत्य से गुरु शिक्षा जो देता है वह अपने शिष्य का परिचय करवाता है सच के साथ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है, यानी ए ऑप्शन यहाँ सही जवाब है। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ था। ये सभी मैंने आज आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर बताए हैं, और अगर आपको इनमें से कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और सभी प्रश्नों के जवाब देना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव होता, तो इसलिए जितना मुझे, मैं कोशिश करती हूँ कि सभी प्रश्नों के जवाब दे पाऊँ। ईश्वर कण कण में व्याप्त, ये देखो इस तरह के प्रश्न जो है ना, ये काफ़ी अच्छे मैंने आपको कोशिश की है। यहाँ देखो कबीर के गुरु कौन थे, तो ये जो कबीर के गुरु थे वो गुरु रामानंद जी थे, ये भी आप ध्यान में रख लेना। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब है। गुरु रामानंद जी जो थे वो कबीर के गुरु जी माने जाते हैं, कबीर जी के। तो इस तरह से ये सारे प्रश्न आज हुए कबीर जी से संबंधित। और किसी चैप्टर के आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि जितना भी 10th का और जो भी CBSE क्लासेस हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप बेहिचक होकर के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।